गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रियान को स्कूल छोड़ने के लिए आई थी सुबह। सुबह के टाइम में थोड़ा बारिश हो रहा था उस दिन, तो रियान को स्कूल छोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट वीकली मार्केट में चली गई। घर के लिए कुछ सामान लेना था और बाजार में जाते ही सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेफन एप्पल दिखाई दिया, जिसे बोड़ो में थाईगिर बोलते हैं। तो ऐसा सब्जी दिखने से जो है ना लेने का मन होता है, तो मैंने यहाँ से थाईगिर को ले लिया। एक का 10 रुपया करके था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आंवला लिया, मुझे आंवला खाना बहुत ही पसंद है। और जो भी घर का छोटा मोटा सामान वगैरह चाहिए था वो सब मैंने लिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोगों का भीड़ कितना ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने चिकन लिया क्योंकि घर में मेहमान आ रहे, तो उन लोगों के लिए चिकन भी लेना था। और थोड़ा पोर्क भी लिया। और शॉपिंग करने के बाद मैं थोड़ा स्कूल में वेट किया रियान का, और रियान का स्कूल भी छूट गया था तो मैं साथ में उसको घर लेके आ गई। और अभी रियान को मैं अच्छे से नहला धुला के अच्छे से खाना पीना खिलाती हूँ। और आज का दिन जो है ना बिल्कुल भी धूप नहीं था, लेकिन पोर्क को जो है ना ड्राई करना था क्योंकि मेहमान रात को आने वाले थे, तो थोड़ा सा धूप में दिया। ज़्यादा धूप नहीं होने से भी बाद में आग में भी थोड़ा सुखाएंगे। और चिकन सबको भी इधर बांध के रख दिया। रियान को नहला धुला के खाना वगैरह खिला के और मेरे भी छोटे मोटे काम थे वो सब करने के बाद मैं भी अभी नहा धो के आ गई। और अभी मैं मेरा स्किन केयर करूंगी। और मेरा स्किन केयर रूटीन में जो है ना मैं आजकल इसे ही यूज कर रही हूँ, जो कि है टेक ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम, जो कि बहुत ही बढ़िया फेस सीरम है। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मेरी फेस में जो है ना काफी ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया था, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा वरिड थी। एंड हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मुझे लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो सब प्रोसेस नहीं करना था और ऐसे प्रोडक्ट भी यूज नहीं करना था जो कि मतलब केमिकल भरे हुए हो, उससे जो है ना स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसा चीज ढूंढ रही थी जो मतलब 100% नेचुरल हो, आयुर्वेदिक हो। तो मुझे काफी ढूंढने के बाद ये प्रोडक्ट दिखाई दिया एंड मैंने इसे ऑर्डर किया और मैंने इसे ट्राई किया और रिजल्ट जो है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड काफी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोगों को तो पता ही है कि आयुर्वेदिक जो है ना हम सदियों से यूज करें एंड उसका कितना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। एक का ये ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम आप लोग देख सकते हैं वाटर बेस्ड टेक्सचर में है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और ये हमारे स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है। और ये हर स्किन टाइप के लिए स्विटेबल है और इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। हमारे क्लीन फेस में फेस सीरम को 2 से 3 ड्रॉप अप्लाई करना है। इसके बाद हमें अच्छे से मसाज करना है ताकि सीरम जो है ना अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमारा मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बना है कुंकुमादि विद सैफ्रन आयुर्वेदिक एक्टिव एंड एसेंशियल ऑयल से, जो की हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। ये हमारे स्किन टेक्स्चर को इम्प्रूव करने में मदद करता है, हमारा डार्क स्पॉट्स पिगमेंट डलनेस को रिड्यूस करने में मदद करता है और हमारे स्किन को हेल्दी ग्लोइंग एंड रेडिएंट बनाने में मदद करता है, जिससे हमारा स्किन जो है ना ग्लोइंग एंड हेल्दी दिखता है। साथ में ये हमारे स्किन इलास्टिसिटी को जो है ना मेंटेन करने में मदद करता है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने पूरे फेस में जो है ना बहुत ही बढ़िया से फेस सीरम अप्लाई कर लिया है। इसको लगाने के बाद जो है ना स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्किन में बहुत ही बढ़िया ग्लो आता है। एंड ये जो है ना काफी ज्यादा लाइट वेट फेस सीरम है, लगाने के बाद बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। जो बाहर मार्केट में फेस सीरम मिलते हैं ना वो काफी ज्यादा हार्श केमिकल से बनते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है ना और ज्यादा डैमेज होती है। अगर आप लोग भी एक अच्छा फेस सीरम ढूंढ रहे हैं तो आप लोग ये जरूर ट्राई करना, टेक का ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम। मुझे तो ट्राई करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं इसका रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग जरूर चेक करना। तो अभी जो है ना मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक और आईलाइनर लगाती हूँ, नहीं तो बहुत ही बीमार दिखती हूँ मैं। और मेहमान कौन आने वाला है मैंने आप लोगों को बताया नहीं। एक्चुअली मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी होने वाली है तो उनको आज हमने डिनर पे बुलाया है, तो साथ में और एक सिस्टर इन लॉ और देवरानी भी आएंगी और साथ में बच्चे भी है ना, तो डिनर को जो है ना जल्दी बनाना है ताकि वो लोग खा के जल्दी से जा सके। बच्चे लोग जल्दी मतलब नींद आता है ना उन लोगों को, तो अभी जल्दी से रेडी होती हूँ फिर जल्दी से डिनर बनाना स्टार्ट कर देते। और अभी मैं डिनर के प्रिपरेशन में लग गए, जो भी सब्जियाँ काटना या फिर छिलना होता है ना वो सब कुछ रेडी करके रख देने से बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तभी मैं टोमेटो प्याज लहसुन अदरक जो भी कुछ रेडी करना था वो सब कुछ रेडी करी, उसके बाद बनाना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चना दाल को दिन को ही भिगो के रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसूर दाल दिया, तो इसको अच्छे से अभी वॉश करके बना लेती हूँ। और अभी मैंने दाल को भी पकने के लिए छोड़ दिया और अभी मैं इधर एलिफेंट एप्पल को काट रही हूँ। तो आज मैं एलिफेंट एप्पल के साथ पोर्क बनाने वाली हूँ। हमेशा हम एलिफेंट एप्पल के साथ जो है ना मछली खाते हैं, लेकिन आज सोचा कि पोर्क ट्राई करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, थोड़ा ही दूंगी, इसका कोमल कोमल हिस्सा ही बस।
और अभी हमारा चना दाल अच्छे से पक चुका है, तो यहाँ पे मैंने धनिया दे दिया है, तो अब इसको चलिए निकाल लेते हैं। और इस साइड पे अभी मैं चिकन बनाने वाली हूँ, चिकन को जो है ना मैं टोमेटो के साथ ग्रेवी बनाने वाली हूँ। और इधर अभी हमारा पोर्क भी बनके तैयार है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। और उस साइड पे चिकन बन रहा है और अभी मैं बनाऊंगी रोजल लिप्स के साथ फिश। वैसे तो बोलता है कि रात को खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन इधर सबको मैथा और नावठिया बहुत ही पसंद है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और अभी हमारा पूरा डिनर रेडी है, ये है पोर्क के साथ एलिफेंट एप्पल, और ये रोजल लिप्स के साथ फिश, और ये है चिकन। तो मेहमान भी आ गए थे, और रियान जो है ना अपने भाई बहन के साथ पूरा खेलने में व्यस्त हो गया। वो अकेला खेलता रहता है ना, तो जब भी उसके उम्र के कोई अच्छे घर में मेहमान आते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इधर बड़े लोग भी खाना खाने से पहले थोड़ा सब लोग बात कर रहे हैं, और जो सामने वाले बैठे हैं ना वो हमारी नानी माँ है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की माँ। तो थोड़ा टाइम बात किया, उसके बाद मैंने खाना परोसना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले बच्चे और बुजुर्ग को दिया नानी माँ और बच्चे लोगों को, तो माँ ने इसे फ्लोर पे ही पार्टी बिछा दिया ताकि उन लोग के लिए ईजी हो, मतलब डाइनिंग टेबल में जो है ना वो लोग इतना ऊपर कम्फर्टेबली नहीं खा पाते, तो सब लोग के लिए नीचे ऐसे बिठा दिया। बच्चे लोग का खाना पीना होने के बाद अभी बड़े लोग खा रहे, और जब मेहमान आते ना तो खाता हुआ वीडियो लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग मेरे घर के ही बहने हैं तो इसीलिए मैं आराम से ले सकी। तो वो लोग खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम बैठे और उसके बाद अभी जा रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो गया था। मेहमान लोग जाने के बाद बर्तन वगैरह साफ किया, किचन वगैरह साफ किया, उसके बाद मैं भी फ्रेशन अप होके आ गई और कपड़ा भी चेंज कर लिया। मतलब जो कपड़ा कुकिंग करते वक्त पहनते ना, उसको भी पहन के सोने से बहुत ही गंदा लगता है। और उसके बाद मैंने अभी जस्ट अपने फेस में ये टेक का ग्लो बूस्टिंग फेस सीरम यूज किया, मतलब ये मैं दिन में दो बार यूज करती हूँ, उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर आप लोग को भी ये प्रोडक्ट चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और साथ में आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, फिर जल्दी से मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय।